नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। वेल दोस्तों, बॉलीवुड में मी टू कैंपेन की शुरुआत की थी बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने। तनुश्री दत्ता ने मी टू में नाना पाटेकर को घसीट दिया था और इसके बाद कई और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ ही साथ एक्टर्स के नाम सामने आए जिन पे मी टू का आरोप लगाया कई सारी और भी अभिनेत्रियों ने। आज मैं आपसे अपने इस प्रोग्राम के जरिए बात करूंगा प्रियंका चोपड़ा के बारे में। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी हाल ही में मी टू का सहारा लेकर अपने बारे में कुछ बातें बताई हैं। क्या कुछ उन्होंने फेस किया है, क्या कुछ प्रियंका चोपड़ा को सहन करना पड़ा है। प्रियंका चोपड़ा ने एक बहुत ही बड़ा बयान भी दे दिया है। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महिला है तो उनके ऊपर ये सब किया जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप है और साथ ही साथ आज आप जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या बोला है प्रियंका चोपड़ा ने मी टू मूवमेंट को लेकर, क्या क्या भड़ास उन्होंने इस बार निकाली है और साथ ही साथ क्या कुछ हुआ है प्रियंका चोपड़ा के साथ। आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जब से प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है वो एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करती चली गई। प्रियंका की पहचान अब सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रही है बल्कि पूरी दुनिया में अब उनके नाम की चर्चाएं होती है। अब बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क में 10वें वार्षिक महिला सम्मेलन में शामिल हुई थी। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने एक बड़ा खुलासा किया कि उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और इस बारे में बोलने पर उन्हें कोई शर्म भी नहीं है। प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क में 10वें वार्षिक महिला सम्मेलन में शामिल हुई। यहां पर उन्होंने दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में खुलकर बातचीत की और यही एक विषय उठा, महिलाओं का यौन उत्पीड़न। आपको बताना चाहेंगे हम कि इस मामले पर प्रियंका चोपड़ा ने खुलकर अपनी राय रखी है और कुछ बातें साझा की। इस मामले पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा, ऐसा लगता है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न शब्द जुड़कर आता है और एक दूसरे का सपोर्ट करने के कारण लोग हमें चुप नहीं करा पाते और ऐसा देखकर बहुत साहस आता है। प्रियंका चोपड़ा ने एक और खुलासा किया कि वो भी यौन उत्पीड़न के चुंगल से नहीं बच पाए। आपको बता दें हम, उन्होंने कहा, इस कमरे में हर किसी को शायद एक ना एक बार इसका सामना करना पड़ता है। हमारे पास हमेशा एक आवाज थी, बस किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब अगर मेरे पास एक कहानी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब और अकेली हूँ और मुझे इसे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और इस बात पर कि मीटू मूवमेंट के चलते बीते साल बॉलीवुड की कई सारी बड़ी हस्तियों पर यौन उत्पीड़न और यौन शोषण का आरोप लगा था, इसके चलते कई सारे सेलेब्स को इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। मीटू मूवमेंट में नाना पाटेकर, साजिद खान, विकास बहल, आलोक नाथ सहित कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया और इन नामों ने जितना सभी को हैरत में डाला है उतना ही ज्यादा हैरत में पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी है। और प्रियंका चोपड़ा के इस नए खुलासे से अब ऐसा लगता है कि कई सारे सवाल और भी उठने वाले हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल जो कि निक जोनस के साथ शादी कर चुकी है, बॉलीवुड की देसी गर्ल जो कि हॉलीवुड में काफी नाम कमा चुकी है, उनकी तरफ से ऐसा बयान आना बहुत कुछ बयां करता है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा को लेकर काफी सारी खबरें और भी ज्यादा वायरल रही है। गौरव इस बात पर कि प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी पर भी रिएक्शन दिया था। खबरें इस तरह की वायरल हो रही थी कि शादी के कुछ महीने बाद ही प्रियंका चोपड़ा प्रेग्नेंट हो गई है और इस पर प्रियंका चोपड़ा की मम्मी ने इन सभी खबरों को खारिज कर दिया था। तो वहीं बीते दिनों प्रियंका और निक के डिवोर्स को लेकर भी काफी ज्यादा खबरें वायरल। यूके की एक मैगजीन में ये दावा किया गया था कि प्रियंका चोपड़ा तलाक ले रही हैं अपने पति देव निक जोनस के साथ। तो वहीं प्रियंका चोपड़ा का इस पर भरपूर गुस्सा फूटा था। आपको बताना चाहेंगे हम, प्रियंका चोपड़ा ने इस पर कहा था कि वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगी जिन्होंने इस तरह की खबरों को हर जगह फैलाया है, उन पर सख्त एक्शन लेंगी जिसने इन तरह की खबरों को हवा दी है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा
इसके अलावा अब काफी चर्चाओं में बनी हुई हैं अपनी बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक को लेकर, और इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ ज़ायरा वसीम और फरहान अख्तर आपको देखने को मिलेंगे।